जो कुछ भी हमने पाया है वो सब कुछ हमारे परमात्मा की कृपा है, हमारे भगवान की कृपा है। और यदि हमारे जीवन में निराशा बनी हुई है तो ये समझिए कि अभी उनकी कृपा दृष्टि नहीं हुई है। और शायद इसी कृपा दृष्टि को समझते हुए हमारे परमात्मा ने कुछ ऐसा ग्रह संयोग रचा है इस सितंबर के महीने में, जहां पर देव गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और आपके स्वयं जो राशि के अधिपति बनते हैं वो होते हैं शुक्राचार्य जी महाराज। यही शुक्राचार्य जी मार्गी हो रहे हैं। वास्तव में इन 9 ग्रहों के द्वारा ही हमें प्रभाव प्राप्त होता है अपने पूरे जीवन काल में। और कभी जैसे कि आपके और हमारे घर में सदस्य होते हैं, कई सदस्य हो सकते हैं और सभी के मन मुताबिक कोई कार्य होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी 9 ग्रहों को हमारे परमात्मा ने प्रेषित किया हुआ है हमारे जीवन में। कभी कोई ग्रह अच्छा परिणाम दे, कभी कोई ग्रह बुरा परिणाम दे, अंततः होता वही है जो हरि चाहे। और इसी को समझते हुए आज 9 ग्रह के विषय में हम बात करने वाले हैं कि इन 9 ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव लेकर के आने वाला है, कैसे आपकी भाग्य की निरंतरता को भगवान ने सिद्ध किया है, कैसे वृषभ राशि के जातक अपने आप को उज्ज्वल भविष्य दे सकते हैं, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बात यहाँ सिर्फ आपके भाग्य की ही नहीं, आपके करियर की होने जा रही है, आपके आर्थिक क्षेत्र की होने वाली है और साथ ही साथ आपके वैभव और सुख संपदा की बात होने जा रही है। एक एक बातों को समझिएगा, एक एक गहराइयों को समझिएगा, उम्मीद है आप बहुत बहुत लाभान्वित हो पाएंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं उस ग्रह को जो आपके स्वयं राशि के स्वामी बनते हैं। आपको पता है आपके राशि के स्वामी कौन है? जी हाँ, आपके राशि के स्वामी बनते हैं स्वयं शुक्राचार्य शुक्रदेव। सौर मंडल में सबसे खूबसूरत ग्रहों में यदि किन्हीं की गिनती की जाती है यही हमारे शुक्रदेव हैं। और शुक्रदेव के आपके राशि के अधिपति होने के कारण ही आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा मिलनसार होते हैं। यही शुक्रदेव आज जब सितंबर का महीना आएगा, 4 सितंबर का वो डेट होगा जब ये शुक्रदेव आपके मार्गी स्थिति पर आ जाएंगे। मार्गी शुक्र का होना इसका मतलब आप स्वयं मार्गी हो गए, मार्गी अर्थात एक सही रास्ता आपको प्राप्त हो गया। शुक्रदेव इस टाइम पर अभी आपके राशि से ठीक इनका गोचर तीसरे घर पर हो रहा है, मतलब आप कहाँ चले गए, आप तृतीय भाव पर चले गए। तीसरा घर वो स्थान हो गया जो हमारे पराक्रम को प्रदर्शित करता है, हमारे जीवन में संघर्षों को प्रदर्शित करता है। माना जाता है हमारे संघर्ष जितने बड़े होते हैं हमारा लक्ष्य उतना बड़ा होता है, और हमारा संघर्ष हमारे लक्ष्य से बड़ा नहीं हो सकता, इस बात को भी समझिएगा। आप अपने लक्ष्य से कभी भी हटिए नहीं। अर्जुन के पास कैसा लक्ष्य था, सभी को दिखता था, कभी किसी को चिड़िया दिखाई दे, कभी किसी को पेड़ दिखाई दे, कभी किसी को पत्ते दिखाई दे, लेकिन अर्जुन से पूछा गया, द्रोणाचार्य ने पूछा कि बेटा तुम्हें क्या दिखता है, अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव मुझे तो सिर्फ उस पक्षी के आँख नजर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ अपने लक्ष्य से मानो हमने भटका नहीं तो सदैव हमारा परमात्मा हमारे ईश्वर हमारा साथ देते हैं। और इसी प्रकार से शुक्रदेव आपके साहस और पराक्रमों के भाव पर गोचर कर रहे हैं और मार्गी भी हो गए हैं, इसका मतलब ज़्यादा अनुकूलता प्रमाण सिद्ध करेंगे। हालांकि ये शत्रु की राशि पर हैं, चंद्रमा की राशि पर हैं, फिर भी हमारा साहस कैसे ही बड़े से बड़े शत्रुओं को भी नतमस्तक कर सकता है, इस बात को आपको समझना है। सिर्फ यही नहीं, शुक्र के पास एक दृष्टि भी प्रदर्शित है जो इनकी सातवीं दृष्टि सीधे आपके भाग्य भाव पर जा रही है। शुक्रदेव की दृष्टि जब भाग्य भाव पर जा रही है, ये घर किसका है भाई, तो ये घर है शनि देव का। जब शनि के घर पर शुक्र की दृष्टि जाती है, दोनों मित्र होने के कारण सदैव भाग्य की जागृति के लिए आपको अवसर प्रदान होगा। इस सितंबर के महीने में कोई एक ऐसा अवसर मिल सकता है जो शायद आपके भाग्य को उज्जवल बना दे। और माना जाता है डूबते को तिनके का सहारा। यदि कोई पक्षी या कोई तिनका कहीं पर डूब रहा है, एक तिनका भी यदि हम उस पक्षी को मिल जाता है, उसी के सहारे से वो तैर करके निकल जाता है। भगवान आपके साथ है और इसी कारण से शुक्रदेव की दृष्टि आपके नवम भाव पर, आपके किस्मत के भाव पर पड़ रही है। किस्मत एक अभी इस समय पर कुछ ऐसा सहारा आपको ला करके इस महीने जरूर प्रदान करेगा। सिर्फ यही नहीं, शुक्र के बाद जो सबसे हमारे मजबूत ग्रह माने गए हैं, सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह माने गए हैं और साथ ही देव गुरु बृहस्पति होते हैं।
देव गुरु बृहस्पति, जो आपके जीवन में आपके इनकम भाव के स्वामी हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, ये सौभाग्यवश परमात्मा की कृपा ही थी कि यही देव गुरु बृहस्पति ठीक 4 सितंबर को ही ये भी वक्री हो जाएंगे। एक तरफ तो आपके राशि के स्वामी का मार्गी होना और दूसरे तरफ देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए किसी बड़े योजना की ओर इशारा आपके जीवन पर करता है। कहाँ चल रहे हैं ये चल रहे हैं आपके 12वें घर पर, क्योंकि 12वां घर हमारे खर्चे का होता है। अब गुरु आपके लिए आपके राशि के स्वामी के ये जो शत्रु बनते हैं, परंतु वक्री स्थिति पर गुरु का आना मतलब ये कोई सौभाग्य से कम नहीं होगा। ये गुरु जहां पर बैठे हैं मतलब 12वें घर में बैठे हैं और यहां से ये आपके 11वें भाव के भी प्रतिफल देंगे। 11वां भाव हमारा लाभ है, हमारे धन लाभ का स्थान होता है 11वां भाव। 11वां भाव वो भाव है जो आपके जो सपने हैं, जो आपके डिजायर हैं, जो आपके गेन्स हैं, इन सबको प्रदर्शित करता है हमारा 11वां भाव। 11वां भाव इनकम होने के साथ साथ इच्छाओं की पूर्ति को हमारा प्रदर्शित करता है। इसलिए देव गुरु बृहस्पति जब वक्री हो जा रहे हैं तो पूरे 4 महीने तक, 4 सितंबर को ये वक्री होंगे और 31 दिसंबर तक ये यूं ही वक्री अवस्था में आपके 11वें भाव के पूर्ण प्रतिफल देंगे। इससे बड़ा संजोग क्या लेंगे भाई, 11वें भाव का मालिक 11वें भाव को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब इच्छाएं कैसी पूरी नहीं होंगी। ग्रह गोचर अनुकूल है, आपको समझना है कहाँ मेरी इच्छाएं हैं और मुझे क्या कार्य करना है। कोई और अन्य आपका कार्य करने वाला नहीं है, सिर्फ आपके भगवान और देव गुरु बृहस्पति आपकी कामना को पूर्ति करने वाले हैं, आप ये समझिए। और जापर कृपा करहि त्रिपुरारी, भगवान जिन पर त्रिपुरारी कृपा करते हैं अपने आप उनके जीवन पे एक शुभ संचार ग्रहों के माध्यम से हमारे जीवन पर आ जाता है। जापर कृपा राम की होई, मुझे उसमें भूल रहा था, जापर कृपा राम की होई तापर कृपा करहि सब कोई। अब ये कृपा मिल गई है गुरुदेव की, तो जो लोग आपके विरुद्ध भी थे, कहीं से आपको प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो पा रही थी कि मुझे वहां से वास्तव में प्राप्त होना है, वहां से वो सब कुछ निकाल करके देने का प्रयास आपके ग्रह करेंगे। प्रयास आपको करना है, आपको सार्थकता सिद्ध करना है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो कैसे आपके जीवन में आपकी कामनाएं अधूरी रह सकती हैं, आपको स्वयं विचार करना है। हमारा मन बड़ा चंचल होता है, ध्यान रखिएगा, और इस मन को जब तक प्रमाणिकता न मिले तब तक ये विश्वास नहीं करता। हमें प्रूफ चाहिए कि क्यों कैसे होगा भाई, तो हम आपको प्रूफ देते हैं। देव गुरु बृहस्पति 12वें घर पर हैं और यहां से जब ये वक्री स्थिति पर आएंगे आपके 11वें भाव के पूर्ण प्रतिफल देंगे। आप किसी भी जो ज्योतिष के पुस्तक है उसमें उठा करके आप देख सकते हैं, मतलब ग्रह आपके 11वें भाव के रिजल्ट देंगे, उस भाव के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं। अब इन गुरु के पास कुछ दृष्टियां भी होती हैं, जैसे कि जहां पर आपके 12वें घर पर बैठे हैं 1, 2, 3, 4, 5, इनकी पांचवी दृष्टि आपके जीवन पर ये पड़ रही है, चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव आपके जीवन में सुख समृद्धि का होता है, आपकी प्रॉपर्टी का होता है, इस कारण से प्रॉपर्टी इत्यादि में भी आपको सफलता मिलने के संकेत यहां पर देव गुरु बृहस्पति ला करके छोड़ देंगे। माना जाता है कि देव गुरु बृहस्पति गंगा जल के समान हमारे जीवन को पवित्र करते हैं, उसी प्रकार से आपके जीवन के चतुर्थ भाव को पवित्र कैसे नहीं करेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन आपने किया है, लेकिन उसके बाद भी यदि तनाव परिवार में है, इस कार्य को देखिए, पूरे अभी 31 दिसंबर तक रहेंगे। इस वीडियो से पहले आपने देखा होगा हमारा, इसके तुरंत पहले डला हुआ था वो वीडियो जो गुरु वक्री के बारे में बताया था, उसमें और अधिक विस्तृत विश्लेषण किया गया है, आपने उसे देखा होगा। नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाकर के उसे जरूर देखिएगा, क्या क्या आपके लिए संभावनाएं हैं आप उसमें देख पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, गुरु के पास जो दृष्टि है वो छठे भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है। छठा भाव भाई वो भाव हो गया जो आपके रोग ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने का भाव हो गया। सिर्फ यही नहीं, गुरुदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। अष्टम भाव वो स्थान है जो आपके रोग ऋण और शत्रु आपके छठे भाव, अष्टम भाव आपके बाधाएं हैं, अष्टम भाव आपकी परेशानियां हैं। हमारे परेशानी और बाधाएं और डिप्रेशन इत्यादि कुछ भी हो, देव गुरु बृहस्पति जहां देखते हैं उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र करते हैं। मानो देव गुरु बृहस्पति ने आपके बाधाओं को, आपके डिप्रेशन तनाव को गंगा जल का सिंचन कर दिया हो। सोचिए जरा कैसे ग्रह गोचर आपको अनुकूलता नहीं दे रहे हैं, ग्रह गोचर अनुकूल प्रदान कर रहे हैं।
अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे हमारे ग्रह जो हमारे जो नवग्रह में जो सौर मंडल में जिन ग्रहों का आधिपत्य है, जो ग्रहों के शासक माने जाते हैं, इस सितंबर के महीने में सूर्य के द्वारा आपको क्या प्राप्त होने वाला है, क्योंकि यही शुक्रदेव सदैव के लिए आपके जीवन में किस भाव के स्वामी बनते हैं, आपके सुखेश हैं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। जो भी आपके पास सुख संपदा है भगवान सूर्य की ही कृपा है, भगवान सूर्य आपके चतुर्थेश हैं। इसका मतलब आपके पास जितने जो जमीन जायदाद हैं, जो गाड़ी हैं, जो बंगले हैं, जो घर है, आपकी माता है, इन सबसे इनका संबंध है। और यदि हम इस सब से अछूते रह गए हैं या इन सब में हमें प्रॉब्लम चल रहा है तो याद रखेंगे कहीं ना कहीं आपका सूर्य कमजोर अवस्था में है। अपने सूर्य को मजबूत करने का प्रयास कीजिए, अपने पिता का सम्मान करना प्रारंभ कीजिए। पिता का सीधा सीधा संबंध सूर्य से होता है। यदि पिता से हमारा प्रॉब्लम है तो समझिए आपका चतुर्थ भाव प्रॉब्लम में आ गया। अब सूर्य इस भाव पर तो और अच्छा, सबसे बड़ी बात यह हो गई, इस सूर्य को हम ये समझते हैं कि 17 सितंबर तक ये आपके चतुर्थ भाव में ही पड़े हैं। इससे बेहतर क्या लेंगे, एक तो भाई इस भाव के स्वामी सूर्य भगवान होते हैं चतुर्थ भाव के, और उसी भाव पर पड़े हैं, मतलब ये समझिए आप अपने घर पर हैं, अपने घर पर आपको सहजता प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार से भगवान सूर्य को भी सहजता प्राप्त होगी, आपके सुखों को पूर्ण करने के लिए वो बाध्य हैं क्योंकि वो अपने घर पर आए हुए हैं। सूर्य जब यहां पर है तो 17 सितंबर तक आपके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ यदि आपका बिजनेस भी है तो भी अनुकूल है। आप घर भूमि भवन वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी सूर्यदेव यहां पर आपको अपना कृपा दृष्टि बना करके दे रहे हैं। जहां 17 सितंबर का डेट जाएगा यही सूर्य भगवान आपके जीवन में चतुर्थ भाव को छोड़ करके पंचम भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। पंचम भाव वो स्थान जो आपकी बुद्धिमता है, देखिएगा पंचम भाव जिस घर पर आएंगे वो बुद्ध की राशि है, सूर्य के मित्र की राशि है, अर्थात सीधा सीधा ये संबंध होगा कि पंचम भाव पर सूर्य का आना मतलब कुछ मानसिक जागृति का उजागर होना, हमारे निर्णय जो क्षमता है उसमें वृद्धि होना। पंचम भाव हमारे निर्णय क्षमता भी है, पंचम भाव चूंकि हमारे संतान भी होते हैं, संतान से संबंधित कोई अच्छे कार्य हो सकते हैं, हमारे शेयर मार्केट से संबंधित कोई अच्छे कार्य हो सकते हैं। कुल मिलाकर के ये सूर्य देवता सदैव आपके लिए उन्नति कारक हैं इस टाइम पर, इस सितंबर के महीने में। सूर्य देवता को जब भी प्रसन्न रखना हो, याद रखेंगे आपके संपत्ति और के कारक माने गए हैं सूर्य देवता, इसलिए सदैव आपको भगवान सूर्य के जो उगते हुए सूरज हैं उनको आपको दृष्टिगोचर करते हुए प्रणाम करना है। भानु प्रिय नमस्कारा, भगवान सूर्य साक्षात एक ऐसे देवता हैं जो सिर्फ नमस्कार से प्रसन्न हो जाते हैं। हम भगवान सूर्य पर जल भी डालते हैं, ये कार्य भी आप कर सकते हैं, भगवान को जल देना, सूर्य भगवान को जल देना बहुत सी विपत्तियों से हमें मुक्त करता है। नियमित एक नियम बना लीजिए, कोई भी एक नियम बना लीजिए कि मैं ये कार्य करूंगा भगवान सूर्य के लिए। कुछ लोग लाल फूल लेकर के भगवान सूर्य की तरफ छोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है, भगवान सूर्य आप इस पुष्प को ग्रहण कीजिए प्रभु, आप इस जल की धारा को स्वीकार कीजिए। भगवान सूर्य सदैव तपते रहते हैं, सारे संसार को उजागर करते हैं भगवान सूर्य, मानो स्वयं जलते हैं, इसलिए जब हम जल चढ़ाते हैं भगवान सूर्य को शांति प्राप्त होती है, ऐसी हमारी धार्मिक आस्था है। और इसी कारण से जो व्यक्ति भगवान सूर्य नारायण पर जल चढ़ाता है अथवा प्रणाम करता है, शास्त्र में वर्णित है, उसके कई सारे कार्य पूर्ण होते हैं, काम अर्थ धर्म मोक्ष ये सब की प्राप्ति हमको भगवान सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पाप अघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। संपूर्ण पापों का विनाश करने के लिए भगवान सूर्य नारायण साक्षात एक ऐसे देवता है जो आपको और हमको दिखाई देते हैं। कहीं भी रहें आप, किसी भी इस विश्व में आप कहीं भी रहें, देखिए एक भगवान आपको भी दिखेंगे, आप कहीं भी रहें और मुझे भी दिखाई देंगे, इसका मतलब वो सर्वव्यापक है। भगवान सूर्य को नमस्कार करना कभी मत भूलिए। अब अगले ग्रह की बात करते हैं जो है मंगल देव। मंगल देव तो भाई स्वयं ऊर्जा और साहस के प्रतीक माने गए हैं, आपके जीवन में वह द्वादशेश हैं और साथ ही साथ ये आपके सप्तमेश बनते हैं।
सप्तमेश होने के कारण आपके कैरियर और आपके बिजनेस में जो भी आपकी स्थिति आज बनी हुई है, इन्हीं मंगल देव की कृपा है। इनको एक डिपार्टमेंट मिला हुआ है, आपके राशि के स्वामी जो शुक्राचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने मंगल को यह डिपार्टमेंट दिया है। मंगल देव जहां जाएंगे वहां आपको क्या प्रतिफल देंगे? मंगल आपके पंचम पे हैं, पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता का, हमारा बिजनेस भाव का स्वामी यदि बुद्धि स्थान पर चले जाए इस सितंबर के पूरे महीने में, ये मंगल के द्वारा, मंगल पूरे महीने कन्या में रहेंगे, मतलब आपके इसी भाव पे रहेंगे, पंचम पे रहेंगे। बिजनेस से संबंधित सबसे ज़्यादा आपके अपने कैरियर को लेकर के या बिजनेस को लेकर के सबसे ज़्यादा हमारा माइंड इस पर काम करेगा। दसम भाव से दसम होने के कारण सप्तम भाव आपका कैरियर भी बनता है, इस कारण से ये मंगल देव जैसे जैसे इनका परिवर्तन होता है, आप देखिए आपका कैरियर, आपका बिजनेस भी उस हिसाब से परिवर्तित होगा, चाहे आपका जॉब ही क्यों ना हो। मंगल देवता छठे भाव पर, पंचम भाव पर चल रहे हैं। पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता है, इस समय पर हम अपने कार्य को लेकर के ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा हम निर्णय ले सकते हैं, कोई डिसीजन अच्छा ले सकते हैं, शायद इससे हमारा कार्य बढ़ जाए। पंचम भाव हमारे संतान होते हैं, संतान की तरफ से भी कुछ अच्छी खुशखबरी मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। जो लोग लव अफेयर में हैं, तो सप्तम भाव हमारा हमारा दाम्पत्य जीवन है और पंचम भाव हमारा प्रेम है, उनके परिणय सूत्र में बंधने का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। सिर्फ यही नहीं, पंचम भाव हमारे जीवन में प्रारब्ध का प्रतिफल भी दिखाता है, इसलिए मंगल देवता जब यहाँ रहते हैं तो आपने पूर्व में जो कर्म किया है, पूर्व में जो मेहनत किया है, जो प्रयास किया है, वो सब ला करके देने के लिए मंगल देवता बाध्य हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव पर हैं। हालांकि इस टाइम पर ये द्वादशेश भी हैं, द्वादशेश होने के कारण आपके माइंड में इस समय पर कुछ खर्चे की बात भी आ सकती है। सितंबर के महीने में कुछ खर्चे कहीं पर करने हैं, कुछ निवेश कहीं पर करना है, क्योंकि बारवा घर हमारा निवेश है और खर्चा भी है, तो उस बातों को लेकर के भी पूरे सितंबर भर आपके माइंड में वो कार्य चलता रहेगा कि मैं कैसे उस अपने खर्चों को मैनेज करूं, या कैसे मैं कहीं पर और पैसे बढ़ाने के लिए कैसे निवेश कर सकूं, इत्यादि कार्य चलते रहेंगे। दूसरा, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी कुछ क्रियाकलाप आपके मन मस्तिष्क में होता ही रहेगा। अब जैसे ही ये मंगल देवता 24 सितंबर का डेट आएगा, ये अस्त हो जाएंगे और फिर पूरे 30 सितंबर तक ये अस्त अवस्था में ही रहेंगे। अब समझ लेते हैं उस ग्रह को जो आपके वित्त मंत्री हैं। आपको पता है आपके वित्त मंत्री कौन है? बुध देव आपके वित्त मंत्री हैं। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे बड़े आपके धन के सोर्स माने गए हैं, धन के स्रोता हो गए आपके, और जिस भाव पर ये उपस्थित है आपका पैसा वही है, इस बात को समझिएगा। आज कहां पर चल रहे हैं, सितंबर महीने में कहां चलेंगे, तो लिखा है 15 सितंबर तक वक्री रहेंगे सिंह में, तो सिंह में मतलब कि आपके चतुर्थ भाव में है, तो धन का मालिक जब आपके चतुर्थ भाव में चला जाए, इसका सीधा सीधा संबंध ये होगा कि हमारे पैसे कहां चले गए, अपने परिवार पर। परिवार पर इस समय पर पैसे खर्च इस महीने पर हो सकते हैं 15 सितंबर तक। हो सकता है भाई, हम किस लिए कमाते हैं? अपने घर, अपने परिवार के लिए कमाते हैं। यदि उन्हें सुखी नहीं रख पाए तो फिर हमारा धन कमाना किस कार्य का? तो इस समय पर आपके परिवार के लिए आपका धन खर्च होने की संभावना है, किसी मनोरंजन इत्यादि में आप समय व्यतीत कर सकते हैं 15 सितंबर तक। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य करते हैं, या फिर प्रॉपर्टी से धन प्राप्ति का भी एक सोर्स बन सकता है। चतुर्थ भाव हमारा प्रॉपर्टी है, इस कारण से यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो भी सूर्य इस भाव पर बैठे हैं, इसलिए सूर्य का प्रतिफल भी आपने सुना सेम बुध के समान आपको नजर आएगा, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों एक संकेंद्र पर बैठे हैं, एक बुधादित्य नाम का राजयोग बना रहे हैं आपके सुख भाव पर। तो इस समय तक थोड़ा सा परिवार में धन खर्च की अधिकता है, आपको ध्यान रखना है कहाँ आवश्यक है और कहाँ मुझे बचत करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे ही ये बुधदेव 15 सितंबर होगा तो ये वक्री स्थिति पर चल रहे हैं अभी, तो 15 सितंबर तक ये मार्गी हो जाएंगे, मतलब पूर्ण रूप से आपको ये चतुर्थ भाव के फल और अधिक मजबूती से प्रदान करेंगे। बुध आपके जीवन में पंचमेश भी बनते हैं। पंचमेश मतलब कि पुनः फिर से आपके जीवन में वो सब कुछ ला करके रख देंगे जो कभी आपने अपने माइंड में, अपने बुद्धि में, अपने जीवन में कभी सोचा था, उन सब चीज़ों को ला करके रखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि कुछ अशांति भी प्राप्त हो जाए। अपने भाव से 12वें भाव पर हैं, इस कारण से बोल रहे हैं, भाव तो उनका सही है, चतुर्थ भाव पर हैं,
और चतुर्थ भाव में ये सहजता महसूस करेंगे। और सूर्य के साथ है तो बुद्धादित्य नाम का राजयोग भी बना दिया, लेकिन अपने भाव से 12वें भाव होने के कारण बुध यहाँ पर कुछ कमजोर स्थिति भी बुध की मानेंगे। हालांकि इसके लिए बहुत डिटेल वीडियो आगामी समय पर लेकर के आएंगे, उसे आप जरूर देखिएगा। अब अगले ग्रह की बात करते हैं जो है हमारे शनिदेव। शनि तो भाई आपके लिए वो ग्रह हो गए जो आपके लिए प्रबल योग कारक हो गए। क्यों प्रबल योग कारक हो गए? हमारे ज्योतिष का एक सिद्धांत आप सबने सुना होगा, आप सबने जाना होगा कि कोई ग्रह जब त्रिकोण का मालिक होता है और साथ में केंद्र का मालिक होता है, ये सबसे बड़ा योग कारक हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो शनि देवता स्वयं आपके दशम भाव पर चल रहे हैं और पूरे सितंबर माह तक तो रहेंगे ही रहेंगे और आगामी बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। इस समय पर ये वक्री चल रहे हैं। वक्री का संबंध सीधा सीधा ये समझिए कि आपके दशम भाव का तो प्रतिफल वो प्रदान करेंगे ही करेंगे, साथ में ये आपके नवम भाव का परिणाम प्रदान करेंगे। नवम भाव वो स्थान हो गया जो हमारे भाग्य की जागृति है। वक्री स्थिति में किसी ग्रह का आना मतलब एक भाव पीछे का प्रतिफल देना। जिस भाव के ये स्वामी हैं उसी भाव का प्रतिफल दे रहे हैं। तो जितना अधिक से अधिक हो सके, अभी 4 नवंबर तक का डेट है अभी आपके पास अपने भाग्य की जागृति के लिए, लग जाइए अपने कार्य में। इस समय पर क्या होगा, पिता से सहयोग, उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा सितंबर के महीने में। और यही नहीं, दशम भाव पर शनि वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कार्य क्षेत्र में सफलता को भी दृष्टिगोचर करते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए आपके बर्थ चार्ट की स्थिति आप जरूर आकलन कर लीजिए। वहां यदि शनि की स्थिति खराब है तो यहां शनि आपको 50% का ही रिजल्ट दे पाएंगे। आप जो ये ग्रह गोचर देखते हैं, जो राशिफल देखते हैं, ये मानिए ये वर्तमान में जो हमारे आकाश गंगा में जो ग्रहों का जो संचार चल रहा है उसका परिणाम आप देख पा रहे हैं। तात्कालिक रूप से आपके साथ क्या होना है इसे आप देख पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या होगी इस चार्ट को, इस जो गोचर चार्ट को आपके बर्थ चार्ट से जब मैच किया जाए, जब मर्ज कर दिया जाएगा, तो एक एक्चुअल प्रेडिक्शन निकल करके सामने आती है। शनि आपके अनुकूल है, शनि की दृष्टि 1, 2, 3 आपके 12वें भाव पर चल रही है, खर्चों से आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है ना भाई, खर्चों पर आपके पड़ रही है, सावधानी उस भाव पर रखिए। कहाँ मुझे खर्च करना है, कब मुझे खर्च करना है, ये सारा नियंत्रण आपको अपने पास रखना होगा। इनकी चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव का है का? चतुर्थ भाव वो स्थान हो गया जो आपके प्रॉपर्टी का है। यदि आप घर बनाना चाहते हैं, क्यों घर बनाना, क्योंकि शनि क्या है, तो शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। शनि की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर बनती है, पड़ती है, तब तब हमें घर बनाने का एक सौभाग्य मिल जाता है। अब ये तो हो गई इनकी सातवीं दृष्टि। दसवीं दृष्टि से यही शनिदेव आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव आपके व्यापार का, आपके कर्म क्षेत्र का, तो दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र, और यहां शनि जब देखते हैं तो व्यापार इत्यादि में भी सफलता के सोर्स देंगे। सबसे ज्यादा आपको कार्य करना होगा शनि के वक्री स्थिति में, और आगामी 2025 तक भी यदि मान लेते हैं आप सिर्फ कार्य और सिर्फ अपना कर्तव्य का निर्वहन ही करेंगे। आपके करियर भाव पर आए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा आपको करियर बनाने में इस 2 साल कम से कम समय लगेगा अभी, जहां पर आपके करियर पर ही आप काम करने वाले हैं। हो सकता है आपका करियर आज निर्धारण हो जाए या हो सकता है कल निर्धारित हो, लेकिन क्यों, क्योंकि शनि देवता सबसे स्लोइंग प्लेनेट माने गए हैं। बाकी सभी ग्रह तो कुछ अधिक फास्ट चलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो धीमी गति जिनकी मानी गई है, यही शनिदेव महाराज की गति मानी गई है। इसी कारण से इनका नाम क्या है, सैने सैने, सैने मतलब कि धीरे, जो धीरे धीरे चलता है वही शनि है। तो इस कारण से आपको परेशान नहीं होना है। हो सकता है कार्य क्षेत्र में सफलता में आपको विलम्ब लग रहा हो, लेकिन शनि देते जरूर हैं, याद रखिएगा। हमें वो परिणाम प्राप्त होगा ही होगा हमारे कर्मों का, आपके विशेष आपके लिए, क्योंकि शनि आपके दशम भाव पर गोचर कर रहे हैं, ये कोई आश्चर्य से कम नहीं होगा। इसके 30 साल बाद आपके इसी भाव पर आए हुए हैं, इसलिए शनि को समझिए, अपने कर्तव्यों को जिए, और कहीं कहीं मुझे कहां कहां मुझे में कमी है या मेरे कर्म में कमी है आपको ध्यान रखिए, और यकीन मानिए ये शनि देवता बहुत अच्छा परिणाम आपको ला कर देंगे। शनि जब देते हैं तो भी धीरे धीरे, और जब लेते हैं तो भी धीरे धीरे। तो इस कारण से आपको समझना है शनि देवता आपके अनुकूल हैं, कर्तव्यों का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। अब उन ग्रहों की बात कर लेते हैं, राहु और केतु। राहु देवता ऑलरेडी आपके 12वें घर पर चल रहे हैं और केतु देव आपके 6ठे भाव पर चल रहे हैं। 12वें घर पर केतु का होना अच्छा ही है हम तो कहेंगे।
यदि कोई नेगेटिव प्लेनेट है वो 12वें घर पर रहे, और जो नेगेटिव प्लेनेट है जो ग्रह हैं वो हमारे 6ठे घर पर रहे। कारण ये हो गया कि हालांकि इनके पास कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी थे आपके आपको देने के लिए। कौन कौन से प्रमाण थे? सबसे पहले राहु ने तो आपको परेशान किया, पिछले 15 महीने से आपकी समस्याएं, आपके खर्चों से आपको परेशान कर दिया, कोई बड़ा हानि या लॉस आपके जीवन पर ला करके रख दिया। 12वां घर हमारा निवेश है, हमने कहीं पर निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उसका प्रतिफल भी हमको 100% लाने का योग नहीं बनाया। साथ में केतु हमारे 6ठे भाव में है, रोग स्वास्थ्य में बाधा, हमारे कर्जे, इन सबको बढ़ाया, साथ में हमारे शत्रुओं को भी ला करके यहाँ रख दिया। कोई कोर्ट केस संबंधी काम भी यहाँ पर ला करके रखने का प्रयास करेंगे राहु केतु के प्रयास से। लेकिन हमने एक वीडियो बनाया था, आपने उसे देखा होगा, इन दोनों की जो डिग्री वाइज कैपेबिलिटी है वो कमजोर हो गई है, अर्थात दोनों कमजोर अवस्था में आ गए हैं, 75% इनमें कमी आ गई है इनके प्रभाव में, इसलिए आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। और वहीं पर गुरुदेव वक्री हो गए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ग्रह नक्षत्रों के अनुसार सितंबर का महीना कहीं से भी आपके लिए प्रतिकूल नहीं है, सदैव अनुकूल है, इस बात को समझना है। अब कुछ ऐसे तारीखें आपको बताने जा रहे हैं जिन तारीखों का आप स्मरण रखिएगा इस पूरे महीने सितंबर के महीने में, हो सकता है वो तारीख आपके लिए बहुत सफलताकारक हो, और एक तारीख ऐसा होगा जिसमें आपको सतर्क भी रहना होगा। हमने सभी राशियों के लिए अलग अलग बनाया हुआ था, जिसमें वृषभ राशि के लिए हमने निकाला है, ध्यान रखिएगा, एक तारीख जो सितंबर के महीने की बात है, 1 तारीख, 2 तारीख, 6, 7, 10 और 11 तारीख आपके लिए अनुकूल होंगे इस डेट में। और हाँ, 11 के बाद है 12, 28, 29 और 30 तारीख आपके लिए अनुकूल सिद्ध होंगे, इस डेट को कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं आप। दूसरा होगा जहां पर प्रतिकूलता रहेगी, जिसे अशुभ डेट भी मान सकते हैं या थोड़ा सावधानी हमें रखना चाहिए, वो तारीखें होंगी 4 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 22, 23 और 24 तारीख को आपको सतर्कता रखनी होगी। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारे मेहनत का यदि कोई गुरु दक्षिणा है तो आपका एक लाइक ही है, आप ये मानिए। और जब आप इसे दे देते हैं, एक लाइक कर देते हैं, तो हमें वो कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ भाई, हमने अच्छा कार्य किया है और भविष्य में और अच्छे कार्य करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। लेकिन अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।